दोस्तों आज रिलीज हुआ है जॉन अब्राहम की अपकमिंग फिल्म सत्यमेव जयते का ट्रेलर। आपको बता दें दोस्तों ट्रेलर काफ़ी ही धांसु है और जॉन अब्राहम की पर्सनालिटी पर काफ़ी सूट भी करता है। यहां पर जॉन अब्राहम एक शानदार किरदार में नज़र आ रहे हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए नज़र आएंगे। दोस्तों आपको बता दें 15 अगस्त के मौके पर देशभक्ति पर लिपटी हुई ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जॉन अब्राहम काफ़ी अच्छे से निभाते हैं कुछ ऐसे किरदार। इससे पहले परमाणु, मद्रास कैफे और फोर्स जैसी फिल्मों में वो कुछ ऐसे ही किरदार निभा चुके हैं जो देशभक्ति को टच देते हैं। यानी कि 15 अगस्त के लिए जॉन अब्राहम अब पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन आपको बता दें जॉन अब्राहम का रास्ता आसान नहीं होने वाला, क्योंकि देशभक्ति के किंग यानी कि सोशल मैसेज के दीवाने अक्षय कुमार लेकर आ रहे हैं स्पोर्ट ड्रामा फिल्म गोल्ड, जो कि 15 अगस्त पर रिलीज़ होने वाली है। उसका ट्रेलर भी अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुआ था और दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। गोल्ड अक्षय कुमार की एक रियल आधारित घटना पर आधारित फिल्म है जो कि काफ़ी शानदार होने वाली है। सन 1936 से लेकर 1946 तक की भारत की जर्नी को दिखाएगी ये फिल्म और साथ ही हॉकी पर नज़र डालेगी। ये कहानी रियल है और 15 अगस्त के मौके पर रिलीज़ होने वाली है अक्षय की फिल्म। आपको बता दें 15 अगस्त के किंग रह चुके हैं अक्षय कुमार, क्योंकि 15 अगस्त में पिछले 2 साल से अक्षय कुमार टॉयलेट एक प्रेम कथा, रुस्तम जैसी शानदार फिल्में दे रहे हैं। ऐसे में यहां 15 अगस्त पर जॉन अब्राहम को काफ़ी बड़ी टक्कर मिलने वाली है अक्षय कुमार से और ऐसा लग रहा है ये अक्षय कुमार ये क्लैश भी जीत लेंगे। दोस्तों आपको बता दें इन दोनों फिल्मों के अलावा 15 अगस्त को ही यमला पगला दीवाना फिर से रिलीज़ की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कौन सी फिल्म होती है इस बार 15 अगस्त पर हिट। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में राय दें और सब्सक्राइब करें देखो देखो और भी अपडेट के लिए।